प्रशांत कांबळे जी का सवाल है कि शरीर में जो कुंडलिनी जागृति के जो चक्र होते हैं उस चक्र को जागृत करना वगैरह ये सब में सच्चाई है क्या? पतंजलि योगा में जो बातें कही हैं उसमें अपने शरीर में तीन नाड़ियां कही हैं, तीसरी एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी होती है और उसमें से वीर्य का ऊर्ध्व पतन होता है, यानी ऊपर में वीर्य चढ़ता है ऐसा कहा गया है, और इसके आधार पर दस चक्र कहीं सप्त चक्र जागृत किया जा सकता है ऐसा कहा गया है। ये जो थियरी है वो तो टोटली अनसाइंटिफिक है, यानी ना ही ऐसे कोई चक्र होते हैं हमारे शरीर में, ना ही वीर्य का ऊर्ध्व पतन हो सकता है, ऊर्ध्व पतन हो सकता है यानी ऊपर में चढ़ने वाला वीर्य हो सकता है, ना ही सुषुम्ना नाड़ी हो सकती है, यानी इसका साइंटिफिक आधार तो कुछ भी नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है बात। लेकिन कुंडलिनी जागृति के नाम पर जो प्रक्रिया उपयोग में आती है लाई जाती है अलग अलग है। पतंजलि योगा की कुंडलिनी जागृति अलग है, निर्मला माता की कुंडलिनी जागृति अलग है, और फिर जो बंगलोर का स्वामी है स्वामी नित्यानंद उसकी कुंडलिनी जागृति एकदम से अलग है, वो तो हर स्त्री को पार्वती बनाना चाहता है। तो ये कुंडलिनी जागृति के नाम पर अलग अलग प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है, उसमें से जो मेडिटेशन की प्रोसेस है उसके जो भी फायदे मेडिटेशन के मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं, उसकी थियरी अनसाइंटिफिक है, लेकिन मेडिटेशन के जरिए जो आदमी उस अवस्था में जाता है जिसको हम ट्रांस की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में जो सजेशन देने के फायदे मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे यूट्यूब चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।